गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान पर, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज छुएंगे, वो है पंचायती राज। राजस्थान में शायद ही ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें पंचायती राज से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते, और पंचायती राज से संबंधित सवाल बहुत परीक्षाओं में एक से ज़्यादा भी पूछे जाते हैं, कई बार दो भी, कई बार तीन भी, चार तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष रूप में रीट, आरएस जैसे एग्जाम है, ऐसे एग्जाम तो पंचायती राज को छुए बिना अछूते हैं, यानी कि निश्चित रूप से पंचायती राज से जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं सबसे अंत में लेके आया हूँ। 26 तारीख को रीट होने वाली है, और इससे पहले आप पंचायती राज को अच्छी तरह से समझ सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अंत में ये मैं वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आज अपन इस पंचायती राज के तहत छूने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज का सफरनामा प्रारंभ करें थोड़ा सा, पंचायती राज जिस दिन से शुरू हुआ उससे पहले जाते हैं अपन। 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक कार्यक्रम शुरू किया, और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 की बात कर रहे हैं हम। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, लेकिन अपन बात कर रहे हैं इससे ठीक 7 साल पहले की। 2 अक्टूबर 1952 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय जो एक मंत्रालय हुआ करता था पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, आज इसका नाम पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया है, इसके तत्वावधान में एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यानी कि मंत्रालय के माध्यम से समाज का, गांव का, समुदाय का विकास करने की योजना बनाई गई। इस कार्यक्रम के अधीन विकास खंड को इकाई मानकर ब्लॉक में विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ सामान्य जनता के विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया। यानी ये जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मुख्य जो इकाई थी वो इकाई बनाई जा रही थी खंड स्तर की, ब्लॉक स्तर की, जिसे आज हम ब्लॉक स्तर पर कहते हैं पंचायत समिति। उस पंचायत समिति लेवल पर, उस ब्लॉक लेवल पर इसको क्रियान्वित किया जाना था, इसको मेन इकाई, मुख्य इकाई इसी को माना जाना था, और इसी को मानकर इसी के माध्यम से समाज के या गांव के विकास का प्रयास किया जाना था, और सारी की सारी बागडोर सौंपी गई थी सरकारी कर्मचारियों की, जो तत्कालीन समय में इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए जो तहसील स्तर के कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बागडोर सौंपी गई थी। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जनता का विकास करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जनता को अधिकार न दिए जाने के कारण यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया, और इसी कारण से ये फेल हो गया। यानी कि इसमें जनता को कहीं तरजीह नहीं दी गई थी। नाम तो रखा गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि जनता का विकास करना था, समुदाय का विकास करना था, गाँव का विकास करना था, लेकिन गाँव तक पहल करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जनता को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, और इस कारण से ये कार्यक्रम मात्र रस्मि कार्यक्रम बनकर रह गया, मात्र औपचारिक बनकर रह गया, क्योंकि ये सीमित हो गया सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक। उन्हीं के हाथ में सत्ता की बागडोर थी, उन्हीं के पास में अधिकार थे, उन्हीं के द्वारा क्रियान्वयन किया जाना था, यानी योजना को उन्हीं को बनाना था, उन्हीं को लागू करना था। जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, किस प्रकार से जनता को इसमें शामिल किया जा सकता है, इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया था। फलतः परिणाम स्वरूप ये कार्यक्रम असफल हो गया। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, किंतु वह भी असफल सिद्ध हुआ। यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को
एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा के नाम से एक और कार्यक्रम शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अलावा। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिली थी, वो चल रहा था। इसी के साथ एक और कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा। लेकिन चूंकि क्रियान्विति वही थी जैसा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत था, जनता का कहीं कोई इसमें रोल नहीं था, जनता को कहीं पर भी इसमें शामिल नहीं किया गया था, और इसका परिणाम ये निकला कि ये कार्यक्रम भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भांति असफल साबित हुआ और ये भी फेल हो गया। इसके पश्चात कि किस प्रकार से पंचायत राज को क्रियान्वित किया जाए, किस प्रकार से संविधान की भावना को धरातल पर उतारा जाए, किस प्रकार से महात्मा गांधी के विचारों को फलीभूत किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए समितियों का निर्माण किया गया। और पंचायती राज से संबंधित सबसे पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था, और इसको यही कार्य सौंपा गया था कि वो पंचायती राज को लागू करने के संबंध में अपने सुझाव सौंपे। समिति ने जो सिफारिशें की थी उनमें सबसे पहली सिफारिश यह थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाए। यानी कि पंचायती राज का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। 3 स्तरीय पंचायती राज की संकल्पना बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत की थी। इसमें यह था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। जो वर्तमान का ढांचा हम देख रहे हैं पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के बाद, वो ढांचा 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति, जिसने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसी ने सुझाया था, और आज भी 1959 से लेकर के वर्तमान तक यही ढांचा चला रहा है। उसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है ग्राम स्तर पर, फिर एक बीच का ढांचा रखा गया ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और फिर सर्वोच्च स्तर पर जो तृतीय स्तर है इसका और सबसे ऊपरी स्तर भी है जिला स्तर पर जिला परिषद। 1959 में इसी ढांचे के साथ शुरुआत की गई थी और आज भी यही ढांचा प्रचलित है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई खंड या समिति स्तर पर, यानी कि इसको इस समिति ने इस प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत के साथ यह सुझाव दिया कि जो त्रिस्तरीय ढांचा है इसमें सबसे मजबूत इकाई जिसके माध्यम से मूल रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, मॉनिटरिंग होनी है, नियंत्रण होना है, वो खंड स्तर पर होनी चाहिए। यानी जो पंचायत समिति आज है वो पंचायत समिति लेवल पर होनी चाहिए, ये मुख्य आधारशिला रखी गई। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का श्री गणेश किया गया। जब बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी तो इस रिपोर्ट के आधार पर ही जवाहरलाल नेहरू के ही द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो ये तथ्य तो हम भली भांति जानते हैं, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया और हम जानते भी हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगली समिति है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया था। बलवंत राय मेहता द्वारा की गई सिफारिशों में आई कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई 1977 में, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1978 में। यानी कि 1959 में जब पंचायत राज की शुरुआत हो गई थी और उसके पश्चात 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र स्तर पर बनी, जिसे हम जनता सरकार के नाम से जानते हैं, जनसंघ की सरकार के नाम से जानते हैं, उस सरकार ने पंचायती राज में आई विभिन्न कमियों को ध्यान में रखते हुए उन कमियों को दूर करने के लिए एक और समिति का गठन किया जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, और इसको काम सौंपा गया था कि किस प्रकार से हम वर्तमान पंचायत राज के ढांचे में और सुधार कर सकते हैं। इस समिति ने जो सिफारिश दी थी उसमें यह कहा गया था कि पंचायतें 2 स्तर पर गठित हो। याद रखिएगा अब तक का जो ढांचा था वो त्रिस्तरीय पंचायत का था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और इस अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि ढांचा त्रिस्तरीय से बदलकर 2 स्तरीय कर दिया जाना चाहिए। क्या? जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत,
जो खंड पंचायत जिसे हम कहते हैं, पंचायत समिति जिसे कहते हैं, इसमें इसने नाम दिया था मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। जो सबसे नीचे की इकाई थी, जो नींव थी पंचायती राज की, जो आधारशिला थी ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। यानी कि ये केवल द्विस्तरीय था, जिला स्तर पर जिला परिषद और खंड स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर किसी भी प्रकार के ढांचे का सुझाव समिति ने नहीं दिया था। यानी कि इसका मतलब था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत समाप्त होनी चाहिए, और इसके अलावा विकास योजनाएं जिला परिषद द्वारा तैयार हो जिनका क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा हो। यानी कि योजनाएं तो बनाई जिला परिषद, और जिला परिषद योजनाएं बनाने के उपरांत ग्राम पंचायत समिति को सौंप दे, और पंचायत समिति उनके माध्यम से ग्राम पंचायतों का विकास करने का प्रयास करें। क्योंकि ये पूरे के पूरे ढांचे को बदलने वाली थी, त्रिस्तरीय पंचायत राज को समाप्त करने वाली थी, इसलिए इस समिति की सिफारिशों पर कोई गौर नहीं किया गया और न इनकी क्रियान्वित की गई। अगली समिति बनी जीवी के राव समिति, जो 1985 में गठित की गई थी। जीवी के राव समिति 1985 में इसने जो सिफारिश किए थे उसमें यह कहा गया था कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इसने ये नहीं कहा था कि पंचायती राज का ढांचा कितना स्तरीय होना चाहिए। जो वर्तमान में प्रचलित था बलवंत राय मेहता मॉडल, उसी को लागू करते हुए इसने एक सुझाव ये दिया था कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए, और उसी के अधीन, राज्य विकास परिषद के अधीन तीनों जो मॉडल है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये होने चाहिए और राज्य स्तर से इनके द्वारा मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। कार्य संपादन के लिए जिला परिषदों की विभिन्न समितियों का गठन किया जाए। इस समिति ने ये कहा कि जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं किस प्रकार से फलीभूत होगी, किस प्रकार से वो कार्य करेगी, ग्रामों का किस प्रकार से विकास होगा, इसके लिए जिला परिषद पर अलग अलग समितियां गठित कर दी जानी चाहिए और उनको क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए। ये सिफारिशें जीवी के राव समिति के द्वारा की गई थी, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। फिर अगली समिति थी एलएम सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समिति थी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986। इसने जो सिफारिशें दी थी उसमें इसने ये कहा था कि पंचायती राज प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें राजनीतिज्ञों और नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जा सके। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी। इसने ये कहा कि पंचायती राज को वास्तव में अगर फलीभूत करना है, गांधी का सपना साकार करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि पंचायती राज को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। पहले जो संविधान में स्थान था वो अनुच्छेद 40 के तहत था। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व हैं, और हम ये भली बातें जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को दृढ़ता के साथ, कड़ाई के साथ लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी था कि संविधान के अनुच्छेदों में इसको स्थान दिया जाए, ताकि संवैधानिक संस्था होने के कारण से पहली बात ये राजनीतिज्ञों से मुक्त रहेगी, और दूसरी बात नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त रहेगी। इसलिए अगर पंचायती राज को वास्तव में अमली जामा पहनाना है तो ये ज़रूरी है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और दूसरी सिफारिश ये थी कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। ये बहुत ही व्यावहारिक सुझाव था, क्योंकि अब तक ग्राम पंचायतों का या गाँवों का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा था कि गाँव के पास वित्तीय संसाधन नहीं थे, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था कि जिसके माध्यम से आय जनरेट करके वो गाँव का विकास कर सके। इसीलिए इस समिति ने ये कहा कि ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन दिया जाना चाहिए ताकि उनका वास्तव में विकास हो सके। और इसी समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन विधेयक रखा गया था, और वो विधेयक था 64वां संविधान संशोधन विधेयक। इस बारे में और अपन बात करेंगे आगे। जो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति थी, इस समिति ने यह कहा था कि पंचायती राज को वास्तव में धरातल पर लाना है तो संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसी समिति की सिफारिश को क्रियान्वित करने की चेष्टा सबसे पहले की गई थी 64वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। आगे बात करेंगे 64वां संविधान संशोधन विधेयक क्या था। अगली समिति थी पिक्के थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 में किया गया था। यह अलग से गठित समिति नहीं थी, बल्कि यह संसद की सलाहकार समिति की उप समिति थी। यानी कि जो संसद की सलाहकार समिति है उसी में एक सब कमेटी बनाई गई थी, और इसको
पंचायतों के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा गया था। वास्तव में ये इसका कार्य यही था, क्योंकि पंचायत से संबंधित समिति थी और इसने एक समिति सुझाव दिया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यानी कि लक्ष्मी मल सिंह भी समिति के पश्चात पिक्के थुंगन समिति दूसरी ऐसी समिति थी जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वकालत की थी। और इसके पश्चात 64वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया। मई 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा। याद रखेगा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 में पारित होता है। उससे पहले 1989 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 64वें संविधान संशोधन के रूप में एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का। जो 73वां संविधान संशोधन था वो ही संविधान संशोधन 64वें संविधान संशोधन के रूप में पहले रखा गया था, लेकिन लोकसभा से तो ये विधेयक पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सका और इसी कारण से ये संविधान संशोधन विधेयक समाप्त हो गया। यदि ये राज्यसभा से पारित हो जाता तो आज जिसे हम 73वें संविधान संशोधन के रूप में पढ़ते हैं उसको हम 64वें संविधान संशोधन के रूप में पढ़ रहे होते, क्योंकि 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए रखा गया था, लेकिन वो संसद से पारित नहीं हो सका। और अगर संसद से पारित नहीं हो जाता है, हो पाता है, चाहे वो किसी भी सदन से पारित नहीं हो, तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। याद रखेगा संविधान संशोधन विधेयक पर यदि दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रायोजन नहीं है, यानी कि वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक क्योंकि राज्यसभा से अटक गया था, इस कारण से वो वहीं समाप्त हो गया। उसके पश्चात आते हैं अपन 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर जो 1992 में रखा गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के उद्देश्य से रखा गया यह संविधान संशोधन विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हो गया। देखिए कि दो ही दिन में संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पारित हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करता था, वो विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा पारित कर देती है और उसी के अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को इसे राज्यसभा भी पारित कर देती है। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के दिन से अधिनियमित हो जाता है। याद रखिएगा विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता, तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। भले ही ये विधेयक 23 दिसंबर 1992 को संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, लेकिन इसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 24 अप्रैल 1993 को, और इसी दिन से हम संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि इस दिन ये कानून के रूप में लागू हो गया था। याद रखिएगा 24 अप्रैल को इसी कारण से पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपति ने संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे और इसी दिन यह लागू हुआ था, इसी कारण से पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में अध्याय 9 जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके द्वारा संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, अध्याय 9। और अध्याय 9 में कुल 16 अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को लेकर जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची जो इस नगरीय निकाय है उन संस्थाओं को लेकर जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो अनुच्छेद था 243। याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के तहत ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसमें फिर अलग अलग उप अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 करके अलग अलग अनुच्छेद हैं। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कुल 29 विषय सौंपे गए। ये भी तथ्य याद रखेगा कि पंचायती राज संस्थाओं के पास 11वीं अनुसूची के अनुसार कुल कितने विषय हैं,
29 विषय जिनके ऊपर पंचायत कानून बना सकते हैं। और आगे की बात अपने इसमें और डिटेल से बात अभी आगे करेंगे, लेकिन ये था 73वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए अब आगे और बात करते हैं महत्वपूर्ण कि राजस्थान में पंचायती राज, ये जो 73वां संविधान संशोधन था इसमें एक बात लिखी गई थी कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमित होने के एक वर्ष के भीतर भीतर समस्त राज्य सरकारों को पंचायती राज को लागू करना होगा, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करना होगा। इसका मतलब यह था कि 23 अप्रैल 1994 तक भारत के प्रत्येक राज्य को पंचायती राज से संबंधित कानून बनाना आवश्यक था, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये कानून बन चुका था, संविधान लागू हो चुका था और जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था उसको हम लागू कर चुके थे। और उसमें ये बात लिखी गई थी कि एक वर्ष के भीतर भीतर राज्यों को इसके संबंध में कानून बनाकर उनको लागू करना होगा। इसीलिए 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया और यह अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। देखिए एक बहुत ही माइनर अंतर है, कई बार अपन गलती कर जाते हैं विशेष रूप से परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा का दबाव भी होता है, परीक्षा हॉल में अपन बैठे होते हैं, थोड़ा सा समझ का फेर होता है और अपन गलती कर बैठते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होता है 24 अप्रैल 1993, बड़ा माइनर अंतर है, 24 अप्रैल 1993 संविधान संशोधन अधिनियम लागू, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू, ठीक एक साल बाद, एक दिन पहले, एक साल के एक दिन पहले 24 अप्रैल 1993 को संविधान संशोधन अधिनियम लागू, 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम लागू। पंचायती राज कौन सा? राजस्थान पंचायती राज की बात करें, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू होता है, याद रखेगा। चलिए इसमें क्या प्रावधान है इसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क। ग्राम सभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 क में है। ग्राम पंचायत के समस्त मतदाता ग्राम सभा में शामिल होंगे, यानी कि ग्राम पंचायत के जो भी मतदाता उस ग्राम पंचायत में, चाहे कितने भी गांव हो ग्राम पंचायत में, अभी अपन बात करेंगे कितने लोगों के ऊपर ग्राम पंचायत होती है, सारी बातें करेंगे। तो पहली बात ये याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता, मतदाता की बात करें जनता की बात नहीं करें, हो सकता है ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5,000 हो लेकिन मतदाता 3,000 ही हो, तो ग्राम सभा में कितने लोग शामिल होंगे? वो मतदाता ही शामिल होंगे जो उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल है, वो सारे सारे व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक, ये बात करें पंचायती राज अधिनियम 1994 की। पंचायती राज अधिनियम 1994 में ये लिखा गया था कि ग्राम सभा की वर्ष में कम 2 बार बैठक होगी, लेकिन राजस्थान में अब ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होना तय की गई है। पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके ये कहा गया कि राजस्थान में ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होगी। कब कब? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 1 मई यानी कि मजदूर दिवस, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। ये 4 तिथियां तय की गई है कि इन दिनों बैठकें होगी, लेकिन ये भी याद रखेगा क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि इस दिन ठीक इसी दिन बैठक हो ही जाए, इसलिए ये एक थोड़ा शिथिलता ये दी गई है कि इन तिथियों के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद, याद रखिएगा ये जो 4 तिथियां हैं 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इनमें से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद बैठक हो सकती है। ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी तिथि को ग्राम पंचायत की बैठक होगी, ओके। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10 रखी गई है, यानी कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है, जो आपने अपनी बात कही है कि 4 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ये आवश्यक नहीं है कि 4 ही हो, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 4 जरूर होगी, कम से कम 4 जरूर होगी। इसके अलावा यदि कोई विशेष प्रयोजन होता है, कोई खास बात होती है, कोई आवश्यकता होती है, तो ग्राम सभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। और ये भी याद रखिएगा कि ग्राम सभा की विशेष बैठकें विशेष अभियान के तहत बुलाई जाती रही है, इसलिए साल में
चार से लेकर दस तक बैठ के ग्राम सभा की हो जाती है। इसे चार से ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम चार अवश्य होगी। और ग्राम सभा की जो भी बैठक होगी उसकी गणपूर्ति 1/10 रखी गई। इसका मतलब कि मान लीजिए ग्राम सभा की सदस्य संख्या 3000 है, ग्राम सभा की सदस्य संख्या कौन होगी, जो उस ग्राम पंचायत के वोटर होंगे, मतदाता होंगे, वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यदि 3000 सदस्य हैं तो कम से कम 300 सदस्य उस बैठक में उपस्थित होना चाहिए, तभी ग्राम सभा की बैठक प्रारंभ होगी। और अगर गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है तो ग्राम सभा की बैठक स्थगित कर दी जाएगी, दोबारा ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। दोबारा जिस स्थिति को भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है उसमें गणपूर्ति का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। यदि गणपूर्ति नहीं भी होती है तब भी बैठक होगी। गणपूर्ति के अभाव में एक बार बैठक स्थगित की जा सकती है लेकिन अगली बैठक जो होती है उसमें गणपूर्ति का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन पहली बैठक में ग्राम सभा की गणपूर्ति होना आवश्यक है। और 1/10 ग्राम सभा की गणपूर्ति रखी गई है, यानी कि जो भी सदस्य संख्या है ग्राम सभा की उसका 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। अगली इकाई है वार्ड सभा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि ग्राम पंचायत वार्डों में बंटी होती है, कम से कम 9 वार्ड होते हैं, अधिकतम जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होता है। तो जितने वार्ड होंगे उतनी वार्ड सभाएं होगी, प्रत्येक वार्ड की एक वार्ड सभा, और इसी कारण से ये ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। और प्रत्येक वार्ड के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं, यानी कि उस वार्ड में जितने वार्डों में ग्राम पंचायत बंटी होती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 वार्ड में बंटी हुई है तो 10 वार्ड का मतलब 10 वार्ड सभाएं होगी, और प्रत्येक वार्ड के जितने वोटर होंगे वो उस वार्ड सभा के सदस्य होंगे। और वार्ड पंच इसका अध्यक्ष होता है। किसका, वार्ड सभा की बात करें, वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड पंच होगा, ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होगा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत चूंकि उसका अध्यक्ष सरपंच होता है इसलिए ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होने के नाते ग्राम सभा का अध्यक्ष भी सरपंच ही होता है। और वार्ड सभा जो उससे छोटी इकाई है प्रत्येक वार्ड की होती है इसलिए उस वार्ड का जो वार्ड पंच है वो इसका अध्यक्ष होगा। तो यह है वार्ड सभा। अगले वीडियो में अपने ग्राम पंचायत और उससे अगले की जो कड़ियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आज इसको विराम देंगे। अगले वीडियो में इसकी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, निर्वाचन आयोग है और जिला आयोजना समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनका अपन अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें या मुझसे आप डायरेक्ट फोन पर भी बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।